Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. दोस्तों आपको ऐसा कुछ जादू करना सीखना है एक्सेल में तो कैसे कर सकते हैं वो हम बताते हैं. और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ लिख करके आपको. जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना है आई एम इंडियन. अब आमतौर पे आपको क्या करना पड़ता है, इतना लिखने के बाद यहाँ से रिसाइज करना पड़ता है, ठीक है. अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा देखिएगा क्या होगा, ये अपने आप रिसाइज हो जा रहा है. जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड आर ई सी ओ आर डी, ठीक है. अब जैसे मैं इंटर करूंगा ये अपने आप रिसाइज हो जा रहा है. ये आपको तरीका सीखना है तो कैसे हम ये कर सकते हैं इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको सिखाता हूं कि ये कैसे हो सकता है. आई होप कि ये जादू आप जरूर कर पाएंगे जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जरूर सीखिए कि इस तरह का जादू हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले देखिए आप, मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहां से. अब आपको क्या करना है, यहां से एक्सेल को ओपन करना है, ठीक है. ओपन करने के बाद जरा सा मैं जूम कर लूं. अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ अपना नाम सूरज कुमार तिवारी. जब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना तो ये रिसाइज ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ठीक है. तो अभी ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए इसके लिए हम क्या करें वो मैं बताता हूँ आपको. आप ये सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, जो बाई डिफॉल्ट तीन सीटें दिख रही हैं, इनमें से आपको पहले सीट पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है. जैसे ही क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुल करके आएगा, आप देख सकते हैं इस बॉक्स को. आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ से पहले क्लोज कर लेता हूँ एक बार और यहाँ से इसको फिर से ओपन करता हूँ. ये ओपन हो चुका है. अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है. और यहाँ पर जो व्यू कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए व्यू कोड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको. तो जैसे ही क्लिक करिएगा ये बॉक्स खोल करके आएगा. ये विजुअल बेसिक का ही एक पार्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है. ये जो जनरल ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पे आप करिएगा क्लिक. तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ वर्कशीट दिखेगी, तो वर्कशीट को आप चूज कर लीजिए. अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या आपको टाइप करना है. तो आपको टाइप करना है सेल्स, सेल्स का सी कैपिटल डॉट इंटायर ई एन टी आई आर ई इंटायर कॉलम, ये लिखा हुआ आ रहा है ड्रॉप डाउन में, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए डॉट. अब क्या लिखना है यहाँ पे, इंटायर कॉलम तो लिख लिया आपने, अब यहाँ पे लिखिएगा ऑटो फिट, ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट. देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑटो फिट भी आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, बस हो चुका है. अभी इसको क्लोज मत कीजिएगा आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ से इसको भी मिनिमाइज कर लिया मैंने. अभी मैं इसे क्लोज नहीं करता हूँ और साइज थोड़ी सी इस सीट की बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े. अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, जो कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं मुझे लिखना है राम कुमार शर्मा एस एच ए आर एम ए, ये वर्ड मैंने जैसे ही लिखा और बाहर आए तो ये अपने आप इस कॉलम को रिसाइज कर ले रहा है. तो है ना जादू. तो ये तरीका है वो जादू करने का और आई होप कि ये बात समझ में आई होगी. जैसे कुछ भी यहाँ पर भी अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ फैंस क्लब ऑफ धोनी टी एच ओ एन आई, ये इतना बड़ा मैंने लिखा और एंटर जैसे ही किया ये अपने आप रिसाइज हो जाता है. तो ये तरीका अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें. Thank you for watching this video.